खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। भुरकुंडा स्टेशन में रेलवे सुरक्षा जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। दस्तक नाटक मंच धनबाद के द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा रेलवे स्टेशन में रेलवे सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रेलवे यात्रियों को रेलवे सुरक्षा की जानकारी दी गई। धनबाद के दस्तक नाटक मंच के द्वारा रेल यात्रियों को नाटक के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया कि बिना टिकट यात्रा न करें, कितनी भी जल्दबाजी क्यों न हो रेलवे ट्रैक को पार कर दूसरी ट्रेन को न पकड़े, फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें, मानव रहित क्रॉसिंग में जब भी पार करें तो दाएं बाएं देखकर ही पार करें, जिससे दुर्घटनाएं कम हो सकती है। साथ ही साथ ट्रेन में कभी भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर ना चलें, स्टेशन परिसर में धूम्रपान ना करें। अगर इन सभी नियमों का सही पूर्वक पालन करते हैं तो रेल दुर्घटनाएं कम होगी। कार्यक्रम का मुख्य रूप से यातायात निरीक्षक किशोर कुमार, स्टेशन प्रबंधक पीके बख्शी, एसएम भरत भूषण, सुनील एंड रंजीत कुमार कामा मुंडा मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। रेलवे यात्रियों को जागरूक करने के लिए भारतीय रेल द्वारा जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम किया जाता है, जिसके नाटक के माध्यम से वो रेल यात्रियों को जागरूक करती है कि संरक्षा से खिलवाड़ न करें, चाहे वो गेट बंद हो तो उसके नीचे से पास न करें या रेलवे लाइन को क्रॉस न करें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करें, फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें। इस तरह से वो रेल यात्रियों को जागरूक करने के लिए ये भारतीय रेल के संरक्षा विभाग द्वारा दस्तक नाट्य मंच है जिसको हायर करती है और हर स्टेशन पर इस तरह से जगह जगह प्रोग्राम किया जाता है। जी, आपका नाम? किशोर कुमार, यातायात निरीक्षक पतरातू। हम संरक्षा विभाग धनबाद मंडल की ओर से, हमारा यही है कि लोगों के बीच में जितना जागरूक कर सके, आजकल की जो मानवीय भूल के द्वारा जो घटनाएं हो रही है उस पर हम लोग रोक लगा सके। जैसे कि रेलवे ट्रैक पर लोग पार करते हैं प्लेटफॉर्म में, ओवरब्रिज के होते हुए भी प्लेटफॉर्म को पार करते हैं, उसमें रोका जाए, अंकुश लगाया जाए, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में एफओबी का प्रयोग करें, मानव रहित जो संपार फाटक है वहाँ पर लोग देख सुन के पार करें, जल्दबाजी ना करें, चंद मिनट के रुक जाने से बड़ी दुर्घटना टल सकती है। ज्वलनशील पदार्थों का लेकर सेवन जो करते हैं लोग गाड़ी में, ये सब लेकर ना करें, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है इसमें दुर्घटना होने का। और जो आजकल जो एक बहुत ज़्यादा चल रहा है, मोबाइल फ़ोन और हेडफोन का इस्तेमाल हो रहा है, लोग रेलवे ट्रैक पर जब इसका इस्तेमाल करने लगते हैं तो खुद से अलग हट जाते हैं, जिसके कारण ही बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग करते हैं, चलती गाड़ी में चढ़ते हैं उतरते हैं, इन्हीं सब विषयों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, हाट बाज़ारों में जा रहे हैं कि जितना ज़्यादा कोशिश हो जनता को, यात्रीगणों को हम लोग जागरूक कर सके, यही हमारा माध्यम है। और ये नुक्कड़ नाटक इसलिए है कि ये सरलता है, सरलता से हम लोगों के बीच में जा सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य हमारे मंडल का भी। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।